नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ छू अभय कक्कड़ ने तमे जोई रह्या छो मारी YouTube चेनल एज्युकेशन विथ मधुवन। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फरी एक बार आप सौनुं आपणी यूट्यूब चेनल में स्वागत छे। आपणे वार्षिक हिसाबनो सरस मजानो सफर छे शरू करी दीधो छे, त्यारे एनी अंदर पहला 22 हवाला छे विथ चेन्जीस मैं तमने कराव्या छे, समजाव्या छे। तो आशा राखुं छुं के आ 22 हवाला छे तमे नोटबुकनी अंदर उतारी लीधा छे अने एनुं वांचन पण तमे करता छो। तो वार्षिक हिसाबना सफर में हवे आपणे आगळ वधवाना छीए, त्यारे आगळना जेटला पण बाकी हवाला रहे छे ए बाकी हवालानी हिसाबी असर छे आज हूँ तमने समझावीश। ए समझाई जाए त्यारबाद आपणे धीरे धीरे प्रेक्टिकल उदाहरणों पण जोशुं, वार्षिक हिसाबना कई रीते थाता आवे, पछी एना जे दाखला छे ए पण स्वाध्यायने आपणे जोवाना छे। तो हवे सीधा आपणे ऑन स्क्रीन जोशुं जे बाकी रहेला हवाला छे एनी समजूती ए कई रीते याद राखवा ए हूँ तमने शीखवाड़ीश। तो हवे सीधा जोईए आपणे ऑन स्क्रीन। तो चालो हवे आपणे शरू करीए हवाला नंबर 23 थी समजूती। 23मो हवालो छे जो भागीदारनी लोन पर चूकवानुं बाकी व्याज। चूकवानुं बाकी व्याज छे एना विशे तमने कही दऊं के अहींया जे एक असर है क्या हे तो कि नफा नुकसान खाता नहीं उधार बाजू, केम के भागीदार लोन व्याज ए पेटी माटे खर्च है एट नफा नुकसान खाता नहीं उधार बाजू आवशे। अने बीजी असर आवशे पाका सरवैया में मूडी देवा बाजू। तो आनी बे असर है याद राखजो, नफा नुकसान खाता नहीं उधार बाजू ने पाका सरवैया में मूडी देवा बाजू। मूडी देवा बाजू शा माटे आवे तेनुं कारण आपणे खबर होवी जोईए के भागीदार ने पेटीए लोन पर व्याज देवानुं छे, देवानुं होय तो पेटी माटे देवुं थाय એટલે ક્યાં લખે મૂડી દેવા બાજુ। પછી આગળ વધીએ તો સામાન્ય અનામત ખાતે રકમ લઈ જવી। સામાન્ય અનામત ખાતે જ્યારે રકમ લઈ જવાની હોય ત્યારે શું કરવાનું તો કે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતાની તો ઉધાર બાજુ લખાશે સામાન્ય અનામત। અને બીજી असर है क्या आवशे तो कि पाका सरवैया में मूड़ी देवा बाजू जो जूनी सामान्य अनामत आपी होय ने तो एमां उमेरवानुं छे, अने जो कंई आप्युं न होय बराबर एमनेम ज होय तो सामान्य अनामत जेटली आमां लई जवानी कीधी होय एटली आपणे लई जशुं। तो थई गयो 24मो हवालो। हवे आगळ वधीए आपणे 25 तरफ। 25मो हवालो छे एमां जोशुं के छे कि भागीदारने चोखा नफा पर आपवानुं थतुं कमीशन। भागीदारने लगतो खर्च छे, भागीदारना चोखा नफा उपर कमीशन छे। तो एक असर तो आपणने खबर ज छे क्यां आवशे नफा नुकसान फाळवणी खातानी उधार बाजू। अने बीजी असर छे ए हुं तमने अलगथी लखावीश जो आमां कीधुं छे पाका सरवैयामां मूडी देवा बाजू भागीदारना मूडी अथवा चालू खातामां उमेरो। आपणे एक ज याद असर राखशुं आनी के मूडी अथवा चालू खाता में जमा बाजू याद रह्यु। बीजी असर क्या आवशे आगळ एम कही के रोहन ने चोखा नफा पर कमीशन आपो तो आपणे मूडी खाता बनाव्यो एमां रोहन नुं खानुं होय एमां लखी नाखवाना जेटला होय एटला जमा बाजू। एटले बे असर याद रही, पहली असर नफा नुकसान फाळवणी खातानी उधार बाजू अने बीजी असर क्या आवशे मूडी अथवा चालू खाते जमा बाजू। थई गई बे असर। पछी आगळ वधीए 26मो हवालो। तो ये जो धीरेली लोन पर व्याज गणवानुं होय त्यारे हवे धीरेली लोन पर व्याज गणवानुं होय त्यारे शुं थशे तो के धीरेली लोन छे एटले के आपेली लोन छे, आपेली लोननुं जे व्याज छे आपणने मळे तो एक तो आपणा माटे आवक थाय एटले पहेली असर तमे लखशो सीधी नफा नुकसान खातानी जमा बाजू। रेडी, धीरेली लोन पर व्याज नफा नुकसान खातानी जमा बाजू। हवे एनी बीजी असर। बीजी असर शुं आवशे तो कि પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ, કેમ કે લોન પર વ્યાજ છે. તમે કોઈને લોન આપી હોય, આપેલી લોન હોય, એના ઉપરનું જે વ્યાજ છે એ તમને મળવાનું છે. મળવાનું બાકી હોય એટલે આપણું લેણું થાય. લેણું થાય એટલે પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ આવે. સમજાઈ ગઈ બે અસર. પહેલી ક્યાં આવશે? નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુ. બીજી અસર પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ. नेक्स्ट है 27मुं ए जोईए तो एमां कीधुं छे पागड़ी पेटर्न कॉपीराइट जेवी अदृश्य मिलकतोमांथी अमुक रकम मांडी वाळवानी होय त्यारे शुं करवानुं? तो के पहेली असर आपशुं आपणे तो एनी जे असर छे समजावुं तमने के पागड़ी पेटर्न ट्रेडमार्क जे बधी होय मांडी वाळवानी होय तो मांडी वाळीए त्यारे आपणे आम नोंद करता ज असर आपता जोईए के नफा नुकसान खातानी उतार बाजू गमे मांडी वाळता होय कोई मिलकत मांडी वाळीए के देवादारमांथी घालखात बात करीए बधुंय आपणे क्यां लखीए छीए जे रकम आवे नफा नुकसान खातानी उधार बाजू तो अहींया पण एम ज करशुं आपणे. पछी मिलकत लेणामां शुं करवानुं? जे ते मिलकतमांथी बाद करी देवानी. हवे आगळ वधीए 28मुं तो 28मां शुं छे तो जोईए के भागीदारे अंगत वपराश माटे लीधेली लोननी लीधेला मालनी नोंद करवानी रही गई होय त्यारे तो एक असर छे ए तो खबर ज छे आपणे के वेपार खातामां उधार बाजू खरीदीमांथी बाद करो पेलो क्रमाने आपजो. हवे बीजो क्रम जे आपवानो छे एमां शुं लख्युं छे के पाका सर्वेमां मूडी देवा बाजू भागीदारना उपाडमां उमेरो पण एम લખવાનું થશે नहीं. हूँ तमने अहींया बीजी असर छे लखावी दऊं छूं. क्या केवी रीते लखशो? मूडी अथवा चालू खातामां उधार लखो उधार बाजू. रेडी? मूडी अथवा चालू खातामां उधार बाजू आपणे ए लखवानुं थतुं होय छे एटले बीजी असर सुधारी लेजो केम के जो उपाड़ छे ए लखवानो रही गयो एनो उपाड़ छे ए भागीदार खाते उधार ज थाय एटले भागीदार पोताना मूडी अथवा चालू खातामां उधार बाजू ज लखशे. तो आ थई गयो 28मुं. त्यारबाद आगळ वधीए 29मां हवाला तरफ तो 29मां हवालामां कीधुं छे जाहेरात माटे नमूनाथी वेचेल माल तो पहली असर आमा पण सेम छे वेपार खातानी उधार बाजू खरीदीमांथी बाद ओलामांथी जेवी એટલે પહેલો ક્રમ એ આપશું અને બીજી અસર નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ કેમ કે જાહેરાતમાં આપણે જે માલ આપીએ છીએ એ આપણા માટે શું થાય છે? ખર્ચ કહેવાય ને. આપણે જાહેરાત ખર્ચ કહેવાય એક પ્રકારનો. એટલે નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ અને વેપાર ખાતામાં પણ ઉધાર બાજુ ખરીદીમાંથી બાદ કરો. થઈ ગઈ અસર. ત્યારબાદ આગળ વધીએ 30મા હવાલા તરફ તો 30મા હવાલામાં કીધું છે સ્ટેશનરીનો સ્ટોક. સ્ટેશનરીનો સ્ટોક છે તો એની પહેલી અસર ક્યાં આપવાની? પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ સ્ટોક તરીકે દર્શાવી દેવાનો. સ્ટેશનરી સ્ટોક જેટલો કીધો એટલો મિલકત લેણામાં છે એમને બારોબાર જવા દેવાનું. બીજી અસર ક્યાં લખાશે? નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ સ્ટેશનરી ખર્ચ જો આપ્યો હોય તો એમાંથી બાદ કરવાનો. તમને સ્ટેશનરી ખર્ચ રકમમાં આપેલો હોય છે એમાંથી આ સ્ટેશનરી સ્ટોક છે તમારે બાદ કરવાનો રહેશે. તો બે અસર થઈ ગઈ. ત્યારબાદ આગળ વધીએ 31મું પટ્ટે રાખેલ મિલકતમાંથી અમુક રકમ માંડી વાળવાની હોય ત્યારે એમાં કોઈ બહુ અઘરું છે નહીં. એક તો શું કરશું? પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ પટ્ટે રાખેલ મિલકત લખવાની અને એમાંથી જેટલી બાદ કરવાની થતી હોય એટલી બાદ કરી નાખવાની અને એની બીજી અસર છે એ સીધી ક્યાં આવશે? નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ. જેવી રીતે આપણે ઘસારોને ગણતા ને સેમ એવી જ અસર એની છે 31માની. 32મો હવાલો છે એમાં કીધું છે કે શેર કે અન્ય રોકાણો પર ડિવિડન્ડ કે વ્યાજ મળવાનું બાકી હોય ત્યારે. હવે ડિવિડન્ડ કે વ્યાજ છે એ આપણા માટે આવક કહેવાય તો આવક હોય એ હંમેશા એ જમા થતી હોય છે એટલે નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાજુ એક અસર ક્લિયર છે. બીજી અસર ક્યાં લખશું? પાકા સરવૈયામાં જો મળવાનું બાકી છે મળવાનું બાકી એટલે લેણું લેણું હોય તો ક્યાં આવે? મિલકત લેણામાં. એટલે पाका सरवैयाમાં મિલકત લેણા બાજુ મળવાના બાકી ડિવિડન્ડ તરીકે આપણે લખશું। પછી જોઈએ છેલ્લો હવાલો એ છે 33મો હવાલો। તો 33મા હવાલામાં જોઈએ શું કહે છે કે ભાગીદાર અંગત મિલકત ધંધામાં લાવે જેની નોંધ કરવાની રહી ગઈ હોય ત્યારે। તો એની નોંધ કઈ રીતે થાય છે તમને કહી દઉં। પહેલી અસર તો ઓકે જ છે, પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ જે મિલકત લઈ હોય ફર્નિચર લઈ હોય તો ફર્નિચર જે લઈ હોય એમને દર્શાવવાની। બીજી અસર તમને કહી દઉં શું ચેન્જ કરવાનો છે, તો એમાં તમારે મૂડી અથવા ચાલુ ખાતામાં જમા બાજુ લખવાની। कोई भागीदार फर्निचर ले हो तो मूड़ी अथवा चालू खाता में जमा बाजू आप शू लखवा फर्निचर और जे भागीदार ले हो एटला रूपिया एना खाना में लखी नाखवाना होय छे। तो आ बीजी असर है, एनो चेन्ज मैं तमने कराव्यो, चेन्ज करी अने पछी तमारे लखवानुं रहेशे। बीजी असर थई गई मूड़ी अथवा चालू खाता में जमा बाजू लखवू। तो आ रीते आपणाना 33 हवाला छे जोया। हवे एना विषे कंईक नोंध आपी छे जोई ले, नोंध खास वाँची लो। दरेक प्रकरणनो सरखो गुणभार जळवाई रहे अने विद्यार्थीओ सरळताथी दरेक प्रकरणनो अभ्यास करे ते हेतुथी परीक्षामां वार्षिक हिसाबोना प्रश्नमां काचा सरवैयामां 24 થી 30 विगतो आपवी। एटले के तमारुं जे बोर्डनुं पेपर छे एनी अंदर 24 થી 30 विगतो तमने सामसामी उधार बाकी जमा बाकीमां आपेली हशे। पछी कीधुं छे कुल हवालाओनी संख्या 5 सुधी मर्यादित राखवी। आ हवाला छे एना विषे हूँ कही दूँ कि 5 થી 6 पण होई शके छे, मोस्ट ऑफ 5 ज राखे पण वधी वधीने 6 थई शके, एथी वधे नहीं। एक हवालामां 2 के तेथी वधु हवालाओनी असरनो समावेश करवो नहीं। अहीं उदाहरणों अने स्वाध्यायमां विद्यार्थी दरेक प्रकारना व्यवहारों समझी शके अने ओछा उदाहरणों आपवा पड़े ते माटे वधु व्यवहारों दर्शावेल छे। तेमां उदाहरणों आना जोशो ने दरेक उदाहरण, तो एमां असर जाजी बधी हशे, रकम पण बहु मोटी हशे, पण बोर्डनी एक्जामनी अंदर एटली बधी रकम छे ए आवशे नहीं। तो आ एक सूचना हती जे तमने मैं आपी। हवे तमारे 1 થી 33 हवाला छे एकवार व्यवस्थित रीते पाका करी लेवाना छे अने ए उतारी लेवाना विथ चेन्जीस। मैं तमने जे रीते लखाव्या छे जे रीते विडियो में कीधा छे ए रीते तमे लखी लेजो। आवा एज्युकेशनल विडियोज मेळववा माटे जोता रहो अपनी यूट्यूब चेनल एज्युकेशन विथ मधुवन बाय अभय कक्कड़। विडियो गमे तो लाइक करो, बीजा साथे शेयर करो और चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं। थैंक यू वेरी मच।